मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स माइनस वन होल स्क्र प्लस थ्री हम एक फंक्शन की वन है इस फंक्शन की हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है बाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तो सबसे पहले इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव करेंगे तो टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर का डेरीवेटिव हो जाएगा टू इंटू टू एक्स माइनस वन फिर इस ब्रेकेट में जो टू एक्स माइनस वन है इसका भी डेरिवेटिव करेंगे इसका आएगा टू थ्री का डेरिवेटिव जीरो होता है तो इसको सॉल्व करके एट एक्स माइनस फोर इस का आ गया। अब इसको 0 के साथ करेंगे सोल्व करके एक्स की वैल्यू आ जाएगी की वैल्यू आई देन हमने एक नंबर लाइन बनाई इस नंबर लाइन पे हमने वन बाय टू को यहां पे लिखा अब हमारे पास दो इंटरवल्स आ गए एक माइनस इन्फिटी टू वन बाय टू एक वन बाय टू टू इंफिनिटी इस इंटरवल में हम रेंडमली कोई भी एक वैल्यू ले, ले लेंगे सपोज हम जीरो ले, ले लेते हैं इस जीरो को हम इस एफ डैश एक्स वाली वैल्यू में पुट करेंगे सोल्व किया तो एक नेगेटिव वैल्यू आई तो उसके लिए हमने यहां पे माइनस लिख दिया अब इस इंटरवल में हमने वन लिया वन को यहां पुट किया सोल्व करके जो वैल्यू आई वो पॉजिटिव आई उसके लिए हमने यहां पे प्लस लिख दिया अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमें ये चेक करना है ये जो वन बाय टू है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है इसके लिए हम क्या करेंगे ये चेक करेंगे यहां पे जो साइन है माइनस से प्लस आ रहा है तो माइनस से प्लस जब साइन आता है तो ये वाली जो वैल्यू होती है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाती है इट मीनस वन बाय क्या हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा तो इस पॉइंट ऑफ मिनिमा को यानी वन बाय टू को हम वापस इस फंक्शन में पुट करेंगे देन हमारे पास मिनिमम वैल्यू आएगी तो इसमें हमने वन बाय टू पुट किया फंक्शन में सोल्व करके वैल्यू आ गई थ्री सो मिनिमम वैल्यू इज थ्री